हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे जो है कि प्रश्न नंबर तीन कि प्रश्न नंबर तीन को कैसे हल करेंगे वही प्रोसेस ये भी चलेगा जिस तरह से प्रश्न नंबर दो को जो है कि बताया गया है आपको और इसमें आपका चल रहा है गुणधर्म गुणधर्म आपको सात जो है कि आपके बुक में जो है कि सात गुणधर्म दिया गया है अभी तक हम उन्हें बताए नहीं है इसके लिए इसका जो है कि अलग से वीडियो बनाया जाएगा गुणधर्मों का उपयोग कर, करने के लिए यानी किस समय जो है कि सातों गुणधर्मों का उपयोग किस समय जो है कौन सा गुणधर्म उपयोग में लाया जाएगा ये आपका गुणधर्म नंबर चार लागू किया जा रहा है और गुणधर्म चार कैसे लागू कर किया जा रहा है आखिर में क्यों वही लागू किया जा रहा है दूसरा क्यों नहीं लागू लागू हो रहा है तो इसलिए दूसरा गुणधर्म लागू नहीं किया जा रहा है क्योंकि उच्चिष्ट सीमा का मान दिया हुआ है और निम्निष्ट सीमा का मान कितना है जीरो तो गुणधर्म नंबर चार आपका ये है कि यदि उच्चिष्ट सीमा का मान दिया हो और जो है कि निम्निष्ट सीमा जो है आपकी जीरो हो तब जा कर के हो जो है गुणधर्म नंबर चार आपका लागू किया जाएगा तो वही आपका प्रोसेस चल रहा है क्योंकि उच्चिष्ट सीमा तो दिया हुआ है लेकिन निम्निस्त सीमा का मान जीरो है तो इसी में भी वही है गुणधर्म में उचित सीमा तो दिया है लेकिन निम्निस्त सीमा वाला मान कितना है जीरो है तब जा कर के आपका जो है गुणधर्म नंबर चार लागू किया जाएगा चलिए वही प्रोसेस आपका मिल रहा है तो हम लोग गुणधर्म नंबर कितने से लेते हैं चार से पहले तो हम लोग मानेंगे कि माना आई बराबर समाकलन जीरो पाई बाई टू आपका सवाल क्या है साइन थ्री बाई टू एक्स में साइन थ्री बाई टू एक्स प्लस कॉस थ्री बाई टू और क्या एक्स डॉट कितना है डी एक्स ये आपका समीकरण नंबर क्या होगा दोस्तों एक ठीक है इतना तो आपको क्लियर हुआ अब जो है गुड़धर्ण नंबर कितना लागू किया जाएगा चार क्योंकि आपका जो है सीमा मिल रहा है गुड़धर्ण नंबर चार पे क्योंकि जो है कि आपका जो है कि निम्निष्ट मान मान दि, दिया हुआ है और निम्निष्ट मान कितना है जीरो वो तो आपका जो है गुड़धर्ण नंबर चार पे लागू किया जाएगा चलिए गुणधर्म चार से गुणधर्म कितने से चार से आई बराबर हो जाएगा जीरो और पाई बाई क्या टू तो हम लोग यहीं पे मान रखेंगे देखिए ये यक्ष का मान जो भी उचिष्ट और निम्निष्ट का मान है ये टोटल एक्स का मान है तो ये जीरो है तो इसको हम लोग छोड़ देंगे यक्ष का मान आप लोग रखेंगे पाई बाई क्या टू और इसका गुणधर्म का नियम यह है कि आप जिसमें यानी कि यक्स का वैल्यू यदि पाई बाई टू रख रहे हैं तो पाई बाई टू यानी यस का मान जितना रखेंगे फिर उसमें से यक्स घटा देंगे ठीक है क्योंकि यक्स की जगह पर रखा जा रहा है तो यह आपका हो जाएगा साइन थ्री बाई टू यक्स के जगह पर आपको कितना रखना है पाई बाई टू और यक्स उतना ही क्या करना है घटा देना है क्योंकि यक्स के स्थान पर रखें तो उतना क्या कर देंगे माइनस कर देंगे यह आपका गुणधर्म का नियम है वही प्रोसेस इसमें साइन थ्री बाई टू और इसमें आपका यक्स का वैल्यू रखेंगे पाई बाई टू और यक्स क्या करेंगे घटा देंगे प्लस कास थ्री बाई क्या टू फिर पाई बाई टू रखेंगे और इसमें से एक क्या करेंगे घटा देंगे डॉट कितना डी एक्स ठीक है इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि प्रोसेस नंबर जो दो है क्वेश्चन नंबर दो का प्रोसेस जिस तरह से चला है वही प्रोसेस इसमें भी किया जा रहा है चलिए ये आपका हो जाएगा आई बराबर सीमा है पाई बाई टू और क्या है जीरो इसमें थोड़ा देखिए पाई बाई टू का मतलब नब्बे डिग्री हुआ और नब्बे डिग्री में से घटाया गया है तो पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर होता है कास तो ये हो जाएगा आपका कास थ्री बाई क्या टू आप लोग जो है त्रिकोण मिति में पढ़े होंगे बाटा में वही प्रोसेस इसमें ये भी हो जाएगा कास थ्री बाई टू एक्स हो जाएगा और प्लस हो जाएगा साइन थ्री बाई टू और क्या एक्स डॉट कितना डी एक्स समीकरण नंबर क्या हो जाएगा दो इतना समझ में आया इतना क्लियर हुआ ना अब समीकरण एक व दो को यानी कि आप जो है कि अब समीकरण नंबर एक और दो को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो देखिए समीकरण एक में आई है समीकरण दो का भी आई है तो आई और आई कितना हो जाएगा टू आई हो जाएगा बराबर समाकलन देखिए दोनों समीकरण में समाकलन मौजूद है तो समाकलन बाहर ले लीजिए पाई वाई टू और जीरो ठीक है कोष्टक ले लीजिए ये है आपका साइन थ्री बाई टू एक्स बटा में आपका क्या है साइन स्क्वायर थ्री बाई टू सॉरी साइन स्क्वायर थ्री बाई टू है ना एक्स प्लस ये आपका है कॉस थ्री बाई टू एक्स प्लस ये आपका है कॉस थ्री बाई टू एक्स बटा में कॉस थ्री बाई टू एक्स प्लस साइन थ्री बाई टू थ्री बाई टू है ठीक है इंटू एक्स और डॉट क्या डी एक्स ठीक है यहाँ से हो जाएगा आई यानी कि टू आई बराबर हो जाएगा क्या समाकलन पाई बाई टू और क्या जीरो ये देखिएगा इसका दोनों का हर समान है तो हर समान है तो आंसर आपस में क्या होंगे जुट जाएंगे प्लस है तो जुटेगा यदि माइनस रहेगा तो क्या होगा घटेगा ठीक है क्योंकि हर दोनों का देखिए हर में दोनों मान समान है तो ये आपका हो जाएगा क्या साइन थ्री बाई टू एक्स प्लस कॉस थ्री बाई टू एक्स बाटा में देखिए दोनों का हर समान है तो हर एक ही बार लिखा जाएगा दो बार है तो साइन थ्री बाई टू एक्स प्लस थ्री बाई टू एक्स डॉट क्या दोस्तों डी एक्स ठीक है इतना समझ में आप क्लियर हुआ ठीक है वही प्रोसेस चल रहा है दो और एक को बताया गया है इससे ये, ये क्या होगा कट जाएगा तो आपका हो जाएगा टू आई बराबर समाकलन जीरो और पाई बाई क्या टू अब कट गए तो कितना बचा वन डॉट कितना डी एक्स टू आई बराबर आपका हो जाएगा वन का समाकलन कितना एक्स और यह सीमा हो जाएगा पाई बाई टू और कितना जीरो ये हो जाएगा टू आई बराबर हो जाएगा एक ये एक्स का वैल्यू एक बार पाई बाई टू रखेंगे अब माइनस एक का एक बार जीरो रखेंगे अब दो दुनिया के चार हो जाएगा यानी कि आई बराबर हो जाएगा पाई बाई क्या फोर ये होगा आपका क्या आंसर तो दोस्तों उम्मीद होगी कि आपको जो है कि वीडियो अच्छा लगा होगा यदि वीडियो अच्छा नहीं लगा तो अनलाइक कीजिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा और हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे प्रश्न नंबर चार कि प्रश्न नंबर चार कैसे हल किया जाएगा और यही प्रोसेस चलेगा प्रश्न नंबर चार में भी कि प्रश्न नंबर चार जो है कि आपको इस तरह से हल करके बताया जाएगा यदि आप प्रश्न नंबर चार को देखना चाहते हैं तो हमारे प्ले में जरूर जाएगा वहाँ पे जो है प्रश्न नंबर चार इस तरह से मिलते रहेंगे और यदि शेष वीडियो को आप देखना चाहते हैं अन्य प्रश्नवाल के तो आप जो है प्ले में जाइएगा वहाँ पर जो है सभी प्रश्नवाली के जो है वीडियो आपको मिलते रहेंगे वहाँ सही वीडियो आपका सेव किया गया है तो चलिए दोस्तों हम आपको लेकर चलेंगे क्वेश्चन नंबर फोर में